नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में प्रश्न पत्र भारत नाटक छंद अलंकार एवं संस्कृत साहित्य का इतिहास, और इसमें हम पढ़ रहे हैं पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में हम पढ़ रहे हैं नवा श्लोक, जब सारथी रथ को दौड़ा रहा है मृग के पीछे, और जब वह मृग के पीछे दौड़ा रहा है तब क्या होता है, जो राजा है, राजा कहता है कि जो हमारे घोड़े हैं वे सूर्य और इंद्र के घोड़ों से भी तेज दौड़ रहे हैं। ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो दुष्यंत के घोड़े किस किस के घोड़ों से तेज दौड़ रहे थे, तो आप ध्यान रखेंगे सूर्य और इंद्र के घोड़ों से तेज दौड़ रहे थे। तब ये क्या कहता है, राजा कहता है, ये राजा का कथन है विद्यार्थियों, क्या कहता है राजा देखिए, कि यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलतां यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानं निवतत प्रकृत्या यद वक्रं तदपि समरेखं नयनयो न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवा। क्या कहता है राजा देखिए, कि यद आलोके, यद माने जो, आलोके माने देखने पर, क्या कहा राजा ने, यद आलोके, यद माने जो, आलोके देखने पर सूक्ष्मम, सूक्ष्म होते हैं, क्या कहा, यद आलोके सूक्ष्मम, कि जो वस्तु, क्योंकि राजा अपनी गति का वर्णन कर रहा है कितना तेज चल रहा है, तो राजा कहता है कि यद आलोके सूक्ष्मम, कि यद माने जो वस्तु आलोके माने देखने पर सूक्ष्मम सूक्ष्म होती है। राजा बता रहा है कि हम रथ पे बैठे हुए हैं और रथ बहुत तीव्र गति से दौड़ रहा है, और रथ जब तीव्र गति से दौड़ रहा है तो राजा कह रहा है कि यद आलोके सूक्ष्मम, जो वस्तु दूर से देखने पर कैसी होती है, सूक्ष्म होती है, किंतु रथ की गति इतनी तीव्र है कि रथ उसके पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाता है। तो ब्रजति सहसा तद विपुलतां, ब्रजति माने हो जाती है, सहसा तद विपुलतां, सहसा माने अचानक, वह बहुत बड़ी हो जाती है। क्या कहता है देखिए राजा, कि यद आलोके सूक्ष्मं ब्रजति, के यद आलोके जो देखने पर सूक्ष्मं सूक्ष्म होती है, अर्थात जो वस्तु राजा को सूक्ष्म दिखाई देती है, ब्रजति सहसा तद विपुलतां, वह जो वस्तु है अचानक विपुल हो जाती है, विस्तृत हो जाती है, बड़ी हो जाती है। क्यों, क्योंकि रथ का वेग इतना है, रथ इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा है कि जब राजा किसी वस्तु को दूर से देखता है तो सूक्ष्म दिखाई देती है, लेकिन क्षणभर में ही क्या होता है, वह राजा का जो रथ है वो उस वस्तु के पास पहुंच जाता है तो वस्तु बड़ी हो जाती है। तभी कहा है राजा ने, क्या कहा है, यद आलोके सूक्ष्मम, जो वस्तु देखने पर सूक्ष्म थी, ब्रजति सहसा तद विपुलतां, के ब्रजति माने हो जाती है, सहसा माने अचानक, विपुलतां विस्तार को, अर्थात जो दूर से देखने पर वस्तु बहुत सूक्ष्म दिखाई दे रही थी लेकिन जब रथ उसके पास आ जाता है तो वह विपुल हो जाती है, बड़ी हो जाती है। फिर क्या कहते हैं, यदर्धे विच्छिन्नम भवति, क्या कहते हैं, यदर्धे विच्छिन्नम, यदर्धे विच्छिन्नम, जो वस्तु अर्धे माने आदि, विच्छिन्नम कटी हुई दिखाई दे रही थी, जब राजा दूर से देखता है किसी वस्तु को तो उसने क्या कहा है, यदर्धे विच्छिन्नम, जो वस्तु दूर से दिखाई देने पर कटी हुई सी दिखाई दे रही थी, भवति कृत संधानम एव तत्, भवति माने हो जाती है, कृत संधानम एव तत्, कृत कहते हैं, कृत संधान कहते हैं जुड़ी हुई सी, तत् माने वो है। क्या कहता है राजा, कि जो वस्तु आदि कटी हुई दिखाई दे रही थी, क्या कहा, यदर्धे विच्छिन्नम, जो आदि कटी हुई थी वस्तु, भवति कृत संधानम एव तत्, कि भवती माने हो जाती है, कृत संधानम एव तत्, वह जुड़ी हुई सी हो जाती है। क्या कहते हैं देखिए, यद अर्धे विच्छिन्नम, कि जो वस्तु आदि कटी हुई थी,
भवती कृत संधानम एव तत् कि भवती माने हो जाती है, कृत संधानम एव जुड़ी हुई के समान वह वस्तु। क्योंकि राजा जब दूर से देखता है तो वस्तु ऐसी लगती है कटी सी, लेकिन एक साथ जब उसके पास पहुंच जाता है तो फिर वो वस्तु कैसी लगती है, जैसे जोड़ दी गई हो। और फिर क्या कहता है देखिए तीसरी पंक्ति में, प्रकृत्या यद वक्रम। प्रकृत्या कहते हैं स्वभाव से जो वस्तु टेढ़ी है। क्या कहा? प्रकृत्या यद वक्रम, स्वभाव से जो वस्तु टेढ़ी है। तदपि समरेखम नयनयोः कि तदपि वह वस्तु भी समरेखम समान रेखा के समान, नयनयोः दोनों नेत्रों को दिखाई देती है। क्या कहता है राजा कि प्रकृत्या यद वक्रम, स्वभाव से जो वस्तु टेढ़ी है किंतु रथ का वेग इतना ज्यादा है कि वह जो टेढ़ी वस्तु है ना वह भी सीधी सी दिखाई देती है नेत्रों में। क्या कहता है कि प्रकृत्या यद वक्रम, प्रकृत्या माने प्रकृति से ही स्वभाव से ही जो वस्तु टेढ़ी है, तदपि समरेखम नयनयोः कि तदपि वह वस्तु भी समरेखम नयनयोः नेत्रों में समान रेखा जैसी प्रतीत होती है। क्या कहा देखिए कि प्रकृत्या यद वक्रम, स्वभाव से जो वस्तु टेढ़ी है तदपि समरेखम नयनयोः वह भी नयनों में नेत्रों में समान रेखा के समान प्रतीत होती है। और न मे दूरे किंचित कि न मे दूरे किंचित कि ना तो मुझसे कोई चीज दूर होती है, और क्षणम अपि न पार्श्वे रथजवात और क्षणम अपि न पार्श्वे और ना ही क्षणभर के लिए पास होती है। क्या कहता है राजा कि न मे दूरे किंचित कि कोई वस्तु ना तो मुझसे दूर होती है, क्षणम अपि न पार्श्वे और ना ही क्षणभर के लिए मेरे पास होती है, रथ जवात रथ के वेग के कारण। रथ बहुत तीव्र गति से दौड़ रहा है, राजा सूत से कहता है कि हे सारथी जो हमारा जो रथ है और उसमें जो लगे हुए घोड़े हैं वे घोड़े सूर्य और इंद्र के रथ में लगे हुए घोड़ों से भी तीव्र दौड़ रहे हैं। और वह क्या कहता है रथ का जो वेग है, रथ बहुत तीव्र गति से दौड़ रहा है और रथ की जो गति है उसके कारण क्या होता है कि यद आलोके सूक्ष्मम कि जो वस्तु देखने पर छोटी थी, ब्रजती सहसा तद विपुलता के वह वस्तु अचानक विस्तृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रथ है रथ बहुत तीव्र गति से दौड़ रहा है, पहले रथ उस वस्तु से दूर था तो वस्तु सूक्ष्म दिखाई देती है और रथ जब उसके पास पहुंच जाता है तो वस्तु कैसी हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं कि यद अर्धे विच्छिन्नम कि जो वस्तु आधी कटी हुई थी, कृत भवती कृत संधानम एव तत् वह मानो ऐसी हो जाती है जैसे जोड़ दी गई हो। और ये प्रकृत्या यद वक्रम, प्रकृत्या अर्थात स्वभाव से जो टेढ़ा था तदपि समरेखम नयनयोः वह चीज भी कैसी होती है, रथ की गति के कारण अपने नेत्रों में समान दिखाई देती है। और न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात, राजा कहता है कि रथ के वेग के कारण ना तो कोई वस्तु मेरे अत्यंत पास होती है और ना ही मुझसे दूर होती है। आप एक बार इसको पढ़ लें। देखिए विद्यार्थियों आपके समझ में आ गया होगा, संदर्भ आपको पता है, जब आप प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में आप लिखेंगे इस श्लोक में या फिर इस पद्य में राजा दुष्यंत रथ की गति का वर्णन करते हुए कहता है या फिर रथ के वेग का वर्णन करते हुए कहता है, फिर आप इसकी व्याख्या लिख देंगे। और व्याख्या लिखने के बाद विद्यार्थियों आप क्या करेंगे, इसके विशेष लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? विशेष लिखेंगे। देखिए तो जब आप विशेष लिखते हैं तो विशेष में क्या है विद्यार्थियों, जैसे हम देखेंगे तो पहला इसमें क्या है
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह। तो इस पद्य में विद्यार्थियों शिखंडी छंद है। इस पद्य में शिखंडी छंद है विद्यार्थियों। इसको आप रेखांकित कर देंगे। दूसरा आप लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में स्वभावोक्ति एवं वाच्योत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप देखेंगे अब देखिए जब आप विशेष लिख देंगे तो उसके बाद आप विद्यार्थी क्या लिखेंगे इसमें। देखिए व्याकरण टिप्पणी, और जो व्याकरण टिप्पणी होती है विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे देखिए पहली व्याकरण टिप्पणी है भवति, आप लिखेंगे भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए विद्यार्थियों दूसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप विच्छिन्नम, आप लिखेंगे बी उपसर्ग छिद धातु है विद्यार्थियों। और तत्प्रत्यय इसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे ब्रजति ब्रज धातु है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद विद्यार्थियों चतुर्थ व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हम। चतुर्थ में आप लिखेंगे प्रकृत्या आप लिखेंगे प्रकृति शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन। फिर आप लिखेंगे विद्यार्थियों यद अर्थे आप लिखेंगे यत प्लस अर्धे, आप लिखेंगे विद्यार्थियों जसत्व संधि। और इसके बाद छठवां है विद्यार्थियों
दूरे आप लिखेंगे दूर शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन और इसके बाद छणम अपि देखिए आप लिखेंगे क्षणम प्लस अपि और आप परिभाषा लिख देंगे अजीरम परेण संयोज्यम और इसके बाद विद्यार्थियों और लिख देंगे आप में आप लिखेंगे अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आप लोग इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।